नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक WhatsApp यूजर हैं और अपने PC के ऊपर एज वेल एज अपने लैपटॉप के ऊपर आप WhatsApp यूज करते हैं, मगर बार बार आपको जो है जब भी आप PC ऑन करते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं तो WhatsApp के बार कोड को जो है आपको स्कैन करना पड़ता है, तो ये काफी अनवाइंग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार जो है बार कोड को स्कैन ना करना पड़े, आपका फोन कहीं भी हो और आप इजिली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जब भी अपना WhatsApp खोलें तो ऑलरेडी आपको लॉग इन मिले, सेटिंग कैसे होती है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल में क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है WhatsApp फॉर PC, राइट। WhatsApp फॉर PC, ये देखिए डाउनलोड WhatsApp आपको आ जाएगा, www.whatsapp.com के ऊपर ही डाउनलोड में है, वो डाउनलोड WhatsApp के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए जैसे आप डाउनलोड WhatsApp के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक और विंडो PC। विंडो PC के लिए आपको WhatsApp जो है डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फॉर विंडो 64-bit एंड 32-bit वर्जन भी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको अपने डाउनलोड फोल्डर में दिखा देता हूँ। ये देखिए डाउनलोड फोल्डर में ऑलरेडी WhatsApp की EXE हमारे पास पड़ी हुई है, तो शो इन फोल्डर मैं करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखिए WhatsApp यहाँ पे हमने जो है डाउनलोड करके रखा है, अभी मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इस WhatsApp को परमानेंटली हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर हम कैसे कनेक्ट करके रख सकते हैं, सो दैट जब भी हम PC को रीस्टार्ट करें और हमारा WhatsApp जो है वो कनेक्टेड रहे। तो जैसे कि मैंने डबल क्लिक इसको कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है WhatsApp की, जैसे आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होता है। सिमिलरली आपके यहाँ पे जो है PC के अंदर WhatsApp जो है इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन क्लू है वो यहाँ पे है कि आपको नंबर एक तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है कोड को स्कैन करना है। और बार कोड को स्कैन करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, इस बार कोड के नीचे यहाँ पे मैंने जो है टिक लगाया हुआ है कीप मी लॉगिन, यहाँ के ऊपर आपको जो है टिक लगाना पड़ेगा, तभी आपका PC जब भी आप ऑन करते हो, आपका लैपटॉप जब भी आप ऑन करते हो तो उसके अंदर कभी भी आपको जो है स्कैनिंग नहीं मांगेगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इसको जो है स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको बार बार स्कैन करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा यहाँ पे क्लू है कि आपने इसको चेक रखना है। अभी मैंने जैसे कि चेक कर दिया है, अभी मैं यहाँ पे इसको स्कैन करता हूँ। अभी स्कैन हो रहा है, ये देखिए हमारा WhatsApp अभी खुल चुका है। अभी मैं आपको जो है अपने PC को रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे WhatsApp हम दोबारा खोल सकते हैं। अब मैं अपने जो कंप्यूटर को यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ, ये देखिए आप पावर में जाएं, यहाँ पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें। जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं तो फ्रेंड उसके बाद अभी हम लॉगिन करेंगे तो आपको जो है दोबारा WhatsApp के स्कैन करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा मोटो है। जैसे कि हमने रिस्टार्ट कर दिया है, अब हमने पासवर्ड डाल दिया और इसको पासवर्ड को ओके कर देते हैं, हमारा विंडो जो है लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए हमारा विंडो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे आपको दोबारा WhatsApp को खोल के दिखाता हूँ। पहले हमारे PC को इंश्योर कर लें कि नेट से कनेक्टेड है, ये देखिए यहाँ पे UFI से ये कनेक्टेड है। अभी हम ये देखिए WhatsApp को यहाँ पे खोलेंगे और विदाउट स्कैनिंग ये कनेक्ट होगा जब भी जितनी बार भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। राइट फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी मेरे को यहाँ पे स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो इस प्रकार आपको बार बार भी स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आपके PC पे या आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर ये कनेक्टेड हमेशा रहेगा। कंडीशन एक ही है कि आपके फोन के साथ जो WhatsApp है वो कनेक्ट रहना चाहिए नेट के साथ या वाईफाई के साथ। वेल फ्रेंड, इस प्रकार आपने सीखा कि कैसे आप जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर WhatsApp को परमानेंटली लॉगिन रख सकते हैं, आपको बार बार जो है WhatsApp को जो है बारकोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है व्हाट्सएप के रिलेटेड या व्हाट्सएप की सेटिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप नए हो इस चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जस्ट आपको सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना है, सो दैट जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग द बिल्कुल जी चैनल। हैव ए गुड डे।